अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप एवरीवन इज सेफ साउंड एंड हेल्दी इंशाल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बिंते मज़हर। आज मैं आपके साथ क्लिप शेयर करूँगी रिलेटेड टू माय ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, लेसन, ठीक है, नॉट लाइसेंस, ओके। तो हम जो है क्लिप्स इंजॉय करेंगे। मैंने ड्राइविंग सीखी और किससे सीखी ये मैं बाद में रिवील करूँगी, ठीक है। सो जितने क्लिप्स मेरे पास थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सबसे ज़रूरी जो है एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ठीक है, छोटी सी क्लैरिटी यहाँ पे मैं करना चाहूँगी, वो ये कि ये जो मेरी ड्राइविंग के क्लिप्स हैं ये कोई ट्यूटोरियल नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई लेसन नहीं है, ठीक है। दीज आर जस्ट द फ्लैशबैक्स, ठीक है। आप ये समझ लें कि ये मेरे क्लिप्स हैं जो मैंने अपने रखे थे ताकि मुझे अगर थोड़ी बहुत बातें भूल भी जाती हैं रिलेटेड टू द ड्राइविंग तो मैं उसको रिफ्रेश कर लूँ, ठीक है। सो मैंने क्लिप जो है अटैच किया, इसमें वो स्टार्ट से लेकर अटैच किया है, गाड़ी को बाहर निकालने से लेकर मतलब डोर ओपन करते अनलॉक करते करते, और इस तरह से मैंने क्लिप्स अपने अटैच किए हैं।
और जो है लॉक वो बिल्कुल भी ना खुलने की जो है उसने ठान लिया, और एक हाथ में कैमरा पकड़ना और एक हाथ में सब शूट करना बहुत मुश्किल काम है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द व्लॉगर्स जो शूट करते हैं, और मैं एक निकम्मी और इंतहाई लो लेवल की ब्लॉगर टाइप जो भी आप कह लें, ठीक है। अच्छा जी, तो हम सबसे पहले अपना गेट खोलते हैं और फिर हम गाड़ी में बैठेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा जो है अपना रिवर्स लगाएंगे और लेट्स सी के हाउ आई ड्राइव। प्लीज़ इग्नोर द झाड़ू जो क्लिप में नज़र आ रहा है, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। हैर डोंट जज मी फॉर दीज थिंग्स। ओके जी, तो हम बैठे, ठीक है। अब डे 9 है मेरा, ठीक है, और ये फाइनल डे था मेरा गाड़ियाँ सीखने का, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा जो दिन थे वो मैं ले चुकी थी, ठीक है। तो इसमें रिवर्स जो है वो उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी मेरी ज़रूरी थी, ठीक है। स्टेयरिंग की जो है वो रिवर्स करते हुए समझ नहीं आती थी, तो उसकी प्रैक्टिस उसको फर्दर जो है वो गो थ्रू करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं ज़रा अच्छे टाइप की प्रैक्टिस कर लूँ, ताकि गाड़ी खुद भी निकालनी पड़े तो यू नो ज़्यादा मसला ना हो, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हम ज़रा आराम आराम से गाड़ी निकाल रहे हैं, और मुझे साथ साथ जो मेरी ड्राइविंग की टीचर हैं वो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रही हैं कि आप यूँ करें और यूँ करें, ठीक है। चलें सबसे पहले हमने पहला गियर दिया, गियर करने के बाद थोड़ी सी स्पीड को और फौरन से दूसरा गियर दे दिया ऐसे, फिर जैसे ही थोड़ी सी स्पीड कैच आउट हो जाएगी फिर आपने तीसरा गियर लेना, लेकिन क्लच साथ में प्रेस करना है, ठीक है। अभी स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो हम अपनी स्पीड जो है वो स्लो कर लेते हैं, और साथ ही क्लच चेंज कर लेते हैं। हल्की सी रेस। अच्छा जी, अब हम ब्रेकर हो गया, क्लच दबा के स्पीड दे के तीसरे गियर पे शिफ्ट कर लेंगे, अगेन हमारा जो ब्रेकर है वो दोबारा आ जाएगा। स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लेते हैं, ड्राइविंग टीचर है वो मैं मजाक ना बनाए। चलो जी, ये से इधर चलो, अब हम इधर उधर देख के फिर हम गाड़ी इधर लेके आएंगे। थोड़ी सी रेस और अब हम शिफ्ट करेंगे अपना गियर, क्लच प्रेस किया और गियर पंप। गाड़ी हमेशा अपने लेफ्ट साइड पर रखते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा बैरियर आ रहा है इसलिए मैं स्लो डाउन करके राइट की तरफ करूँगी और पीछे से गाड़ी देखूँगी। बैरियर प्लस ब्रेक है, लाइट से ब्रेक प्रेस करेंगे और गाड़ी थोड़ी सी रेस देके और यहाँ पे स्लो डाउन कर लेंगे, लाइट से ब्रेक एंड देन फ्रंट। फोर्थ गियर आप तब लगाते हैं जब आप 60 की स्पीड पे अप्रॉक्सीमेटली पहुंच जाते हैं, ऑलमोस्ट हो गई 60, क्लच प्रेस किया और ये पीछे को गियर आ गया।
ये बैरियर है और यू टर्न है, लाइट्स ब्रेक थोड़ी देर बाद, या लाइट्स क्लच और लाइट्स ब्रेक। और ऐसे यू टर्न पे आते हैं तो फिर हम अपना गियर सेकंड पे कर लेते हैं ताकि स्पीड स्लो डाउन हो जाए और गियर अपनी स्पीड को मैच कर ले। अब तीसरा गियर दे देंगे, राउंड अबाउट आएगा आपने थोड़ी सी गाड़ी को स्लो करना है और इंडिकेटर दे देना। अभी मेरा राउंड अबाउट आने वाला है, स्लो डाउन करने से आपको पता चल जाएगा कि राइट या लेफ्ट से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। ठीक है, तो अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। थोड़ी देर बाद हमारे पास आएगा स्पीड ब्रेकर, तो हम क्लच थोड़ा सा प्रेस करेंगे और साथ ही थोड़ी सी ब्रेक प्रेस करेंगे और गियर अपना चेंज कर लेंगे। क्लच प्रेस किया, लाइट सी ब्रेक दी और क्लच गियर हमने चेंज कर दिया और साथ में ब्रेक, और स्मूथली हमने अपनी जो ब्रेकर है वो हमने उसको पास आउट कर लेना। देन सिमिलरली अभी जो था रिसेंट हमारे पास राउंड अबाउट था, हमने अपनी गाड़ी स्लो डाउन की, स्लो डाउन करने के बाद हमें पता चल गया कि हम राइट लेफ्ट जो है इजीली देखने के बाद प्रोसीड कर सकते हैं। अब मेरी गाड़ी ऑलरेडी जो है वो सेकंड गियर पे है, तो स्पीड ब्रेकर पे एज सच मुझे गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आई हैव टू स्लो डाउन और क्लच और लाइट सी ब्रेक। ब्रेक प्रेस करने से आपकी जो गाड़ी है वो स्मूथली गुजर जाती है ब्रेकर से। ठीक है, अब हम ब्रेकर से गुजर गए हैं, अब लाइट से क्लच दे देंगे, क्लच सॉरी फुल देंगे और गियर हम थर्ड वाला अप्लाई कर देंगे। ब्रेकर के लिए स्लो किया, क्लच न्यूट्रल कर दिया, क्लच को छोड़ दिया, हैंड ब्रेक हमने रिलीज, गाड़ी बंद, और ये आपका लेसन हो गया कंप्लीट।